मैं यहीं पे गुजारी थी। सागर भाई अभी सोई है और यामन भाई वो भी जग चुके हैं। दोस्तों आज है शिव महापुराण कथा ग्राम कोकड़ी जिला बलौदा बाजार का आखिरी दिन है और यहाँ पे भक्तों की भीड़ है। देख सकते हैं अभी सुबह के 5:30 है बजे हुए और सामने आपको मुख्य पंडाल आपको दिखाई देगा जहाँ पे पंडित प्रदीप मिश्रा जी बैठते हैं और अभी से काफ़ी सारे लोग हैं उठ के तैयार होना चालू हो चुके हैं। लोगों की नहाने की बात करें तो वो तो 1 बजे से उठ के धीरे धीरे नहाना है चालू कर दिए थे और देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं उठ के आसपास काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो पंडाल आप देख रहे हैं ये है मुख्य पंडाल और उनके जस्ट बगल में एक और पंडाल ये बना हुआ है जहाँ पे देख सकते हैं यहाँ भी आपको काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे रात में रुके हुए थे। तो देख सकते हैं अभी से ही सुबह से आज आखिरी दिन है और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे आपको सुबह से ही आपको देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं कल रात में आके यहाँ पे स्टे है रुके यहाँ पे हुए थे। तो दोस्तों देख सकते हैं पंडाल के अंदर जो भीड़ है सीन आपको कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। काफ़ी सारे लोग हैं कल रात पे यहाँ पे ठहरे हुए थे और आज है शिव महापुराण का आखिरी दिन और पंडाल के बाहर आपको देख सकते हैं यहाँ पे अलाव है आग है यहाँ पे जला हुआ है और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं इसे भी आपको देखने को मिलेंगे। फोटो खींचे भैया इमें गरम लगत बोल बोलना भी बोला इमें गरम लगत है अरे उमें ये एकदम बहुत ठंडी लगत है सब में के पीना में अरे वाला इमें खाना वो छोटे संकल्प ले काय और दोस्तों अभी सुबह फाइनली की 6 बज चुके हैं और रात हमने यहीं पे गुजारी थी। सागर भाई अभी सोई है और यामन भाई वो भी जग चुके हैं और यहाँ पे रात में कठिनाइयों की बातें करें तो काफ़ी ज़्यादा ठंड थी और फिलहाल यहाँ पंडाल पे फिलहाल तो ठंड उतना ज़्यादा नहीं था फिर भी बाहर की तुलना में बाहर तो काफ़ी ज़्यादा ठंड था। और इस वक्त 6 बजे आप देख सकते हैं यहाँ पे पंडाल पे धीरे धीरे लोगों का आना है चालू हो चुका है क्योंकि आज का जो शिव महापुराण कथा का जो कार्यक्रम है 10 बजे से स्टार्ट है होने वाला है तो सभी जगह के लिए धीरे धीरे अपना जगह बना रहे हैं।